कल रात एक इंटरव्यू में आमिर खान फूट फूट कर रोने लगे। अपने करियर में आमिर खान कभी इतना कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की। उन्होंने बॉलीवुड में सबसे हटकर अपना एक अलग मुकाम बनाया। लेकिन कल रात इंटरव्यू देते हुए जब आमिर की आंखों से आंसू बहे तो देखने वालों का कलेजा फट गया। ये आंसू किसी एक्टर के नहीं थे, ये आंसू एक पिता के थे जिसे हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि वो अपने बच्चों के दुख दर्द में उनका साथ नहीं दे पाया। इस इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने करियर को समर्पित कर दी। वो पूरी जिंदगी दर्शकों के साथ अपना कनेक्शन बनाते रहे, अपने परिवार पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आमिर ने कहा कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं अपनी बेटी आयरा और बेटे जुनैद का साथ तब नहीं दे सका जब उन्हें मेरी जरूरत थी। मुझे लगता रहा कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बेचारे दर्द से गुजरते रहे। इस इंटरव्यू में जैसे ही आमिर ने अपनी बेटी आयरा का जिक्र किया तो उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। दरअसल पिछले साल ही आमिर की बेटी ने खुलासा किया था कि जब वो महज 14 साल की थी तो जान पहचान के लोगों ने उनका यौन शोषण किया था। इसी को लेकर आमिर ने कहा कि जब मेरी बेटी को डर लगता था तब मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए वहां मौजूद नहीं था, मैं उसे उस वक्त दिलासा नहीं दे सका। आमिर की आंखों के आंसू ये बताने को काफी थे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए कितना अफसोस है। फिलहाल तो आमिर की बेटी आयरा मेंटल हेल्थ को लेकर एक एनजीओ चला रही हैं और आमिर इसमें उनका साथ दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए, और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।